नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो में छोटा सा वीडियो है, मैं बिल्कुल बेसिक बात करूंगा। बात ये करूंगा कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। आपने नाम सुना होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है, और बागेश्वर बाबा धाम। ये चीज़ें क्या चल रही हैं? दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको एक तरफ डाइवर्ट कर दूं कि आप उधर चले जाओ उधर चले जाओ, यानी कि मैं किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं ले रहा हूँ। क्या सही है और क्या गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा काम है केवल आपको बेसिक नॉलेज देना कि ये चीज़ वर्तमान में चल क्या रही है, ठीक है। तो वर्तमान में जो चल रहा है उसी की बात करते हैं अपन, ठीक है। नाम सुना होगा आपने धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम। ये हो क्या रहा है? आपने ये देखा होगा कि इनका दरबार लगता है जिसको बोलते हैं दिव्य दरबार, ठीक है। वो दिव्य दरबार के अंदर ये बाबा क्या करते हैं, या मैं बोलूँ कि ये जो कथावाचक है ये क्या करते हैं कि एक पर्ची मंगवाते हैं या खुद पर्ची बनाते हैं, किसी एक को अपने हिसाब से किसी को बुला लेते हैं, उसका नाम वगैरह सब ये अपने मन से लिख देते हैं, उनके मन की बात भी पहचान लेते हैं। थोड़ा सा लगता है कि अजीब सा है, लेकिन ये चीज़ें है क्या, कंट्रोवर्सी क्या चल रही है उसी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। मतलब क्या ये सच में ऐसा हो सकता है, या क्या सच में ये सब लोगों को पागल बना रहे हैं, या क्या सच में इनके पास कोई ऐसा मैजिक या कोई ऐसी पावर है, या हनुमान जी की कोई ऐसी शक्ति है जिसमें ये सब कुछ पहचान लेते हैं, क्या ऐसा होता है वास्तव में, इसी की बात करेंगे 1-to-1। सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी है कौन, ठीक है, और इनके बारे में बेसिक जानकारी की बात करें अगर अपन, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये है कौन। देखो दोस्तों, बागेश्वर बालाजी महाराज, इनका ये जो है, इनके जो आप ये कह सकते हो कि वहां के जो मेन कर्ता धर्ता है, जिसको आप MD कहते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप, उनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब वो है क्या, हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं कि ये चीज़ है क्या। तो इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण जी, ठीक है, और इनको और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इनको जानते हैं बागेश्वर धाम महाराज, ठीक है। इनको और किस नाम से जानते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण जी के नाम से भी जानते हैं, और भी कुछ लोग बाबा वगैरह जो भी बोलते हैं वो अलग चीज़ें हैं। इनके प्रसिद्ध नाम क्या क्या है? बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये इनके नाम हैं जिनसे लोग इनको जानते हैं। आगे बात करें, ये जन्म कब का है, मतलब इनकी एज क्या है लगभग? तो दोस्तों, इनका जन्म है 4 जुलाई 1996 को, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एज के नहीं है, ये अभी युवावस्था में है, ठीक है। अब युवावस्था में इतना सब कुछ पता कर लेना, इतनी सब कुछ पावर, इतनी सब कुछ शक्तियाँ, क्या ये सच में पॉसिबल है? अगर है तो ये कैसे हैं? धीरे धीरे इनकी बात करते हैं। इनकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपको पॉइंट्स गिना दूंगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं। जन्म स्थान होता है इनका गढ़ा छतरपुर, मध्य प्रदेश में। पिता का नाम रामकृपाल गर्ग है और माता जी का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। दादाजी भगवान दास गर्ग है, इनको ये अपने गुरु भी मानते हैं, ठीक है। फिर आते हैं भाई बहन, तो इनके भाई का नाम है शालिग्राम गर्ग और छोटे भाई है ये इनसे, और एक इनकी बहन भी है। ये अभी शादी नहीं की है, मतलब ये अनमेरिड है। इनके दोस्त है शेख मुबारक। दोस्तों, जब ये कथा करते हैं ना, तो इनकी कथाओं में शेख मुबारक का कई बार बात चलती है कि ये शेख मुबारक क्या है, इनका परिचय क्या है, वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखा नहीं सकता, बिकॉज कॉपीराइट का थोड़ा सा इश्यू रहता है। और दूसरे मित्र हैं इनके राजा राम। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने दोस्तों BA कर रखी है आर्ट्स के अंदर। बोलचाल की भाषा इनको बुंदेली भी आती है, संस्कृत भी आते हैं, हिंदी भी आते हैं। अंग्रेजी में थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो थोड़ा सा एक ग्रामरिकल एरर्स रहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी बात हो सकती है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि ये व्यवसाय नहीं करते, ये लोगों को समाज का भला करते हैं, या ये कथा वाचन करते हैं, या जो भी करते हैं, लेकिन मैं उसको व्यवसाय ही जोड़ूंगा, क्योंकि अगर ये सन्यासी होते तो हम इसको व्यवसाय नहीं कह सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, जब ये सन्यासी नहीं है तो इनका ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त जीवन है तो समझ रहे हो ना आप, जब ग्रस्त जीवन है तो हर व्यक्ति जो ग्रस्त जीवन में रहता है वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करता है, ठीक है, और जो काम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, व्यवसाय। अगर ये कह दें, ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, अगर ये ऐसे कह दें कि मैं सन्यासी हूं, मेरा कोई ग्रस्त जीवन नहीं है, या मैं आगे शादी नहीं करूंगा, या मैं केवल संन्यास आश्रम व्यतीत करूंगा, तब तो मैं कह सकता हूं कि ये व्यवसाय नहीं है, लेकिन ये काम कर रहे हैं, ये ग्रस्त जीवन में है, इसलिए इसको अपन व्यवसाय कहेंगे।
इनको जो मुख्य व्यवसाय है वो है सनातन धर्म प्रचारक, यानी कि हिंदू धर्म के अच्छे प्रचारक है ये। ये कथावाचन करते हैं और इनके जो मेन चीज है वो है इनका दिव्य दरबार। दोस्तों बहुत बड़ा दिव्य दरबार लगता है इनका, काफी हजारों की संख्याओं में लोग वहां जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। अब समाधान होता है या नहीं होता है ये मैं नहीं कहूंगा, प्रमुख देखो क्योंकि हर चीज के पीछे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। कुछ लोग जो है ना वो अच्छी चीज़ों को भी गलत बता देते हैं, कुछ गलत को भी अच्छी बता देते हैं। यानी कि अगर मैं मान लूँ किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर के पास मेरा इलाज हो जाता है तो मैं इस डॉक्टर को अच्छा बताऊँगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं होता है तो वो उस डॉक्टर को बुरा बता देगा। ये सबकी अपनी अपनी सोच है, व्यक्तिगत राय है, इसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये गलत है या फिर सही है। हो सकता है किसी को वहाँ जाने से पॉजिटिव एनर्जी मिली हो। होता है जैसे अपन मंदिर में जाते हैं दोस्तों, तो मंदिर में क्या होता है कि मंदिर में जाने के बाद थोड़ी सी मन को शांति मिलती है, तो अपन ये कह सकते हैं कि मंदिर एक अच्छी जगह है। तो हो सकता है किसी की मेंटल ये हो, मानसिक सोच ये हो कि वहाँ जाने से मुझे इस चीज़ में ज़्यादा नहीं तो कम से कम मेंटल पावर तो हो ही सकती है ना। मेंटल पावर के लिए एक अलग चीज़ है, ये एक अलग बात है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। हालांकि मैं भगवान को मानता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी मानते होंगे और सभी मानते हैं, कहीं ना कहीं तो मानते हैं, ठीक है। और भगवान मेरी नज़र में क्या है वो एक अलग बात है। वैसे एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर होती है, आपका ब्रेन जब काम करता है ना तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट ही काम करता है, उसी के पीछे काम करता है, ठीक है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में कुछ अच्छा है अपने साथ, कुछ अच्छा हो रहा है। वो बड़े लोगों ने कहा कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। और प्रमुख बागेश्वर धाम के ये प्रमुख हैं, यूट्यूब चैनल भी है इनका अपना। इनके गुरु जो है दादाजी महाराज सन्यासी बाबा हैं, बागेश्वर धाम बड़ागंज छतरपुर मध्य प्रदेश में है ये ना। अब मेन बात आती है दोस्तों कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप क्या है और ये विवाद क्या चल रहा है, क्यों इतने न्यूज़ कवर में या न्यूज़ चैनल में इतने आ रहे हैं, ये कहानी है क्या दोस्तों। आरोप लगा जब महाराष्ट्र में ये एक कथा कर रहे थे, जब ये कथा कर रहे थे तो हुआ क्या कि वहाँ की एक संस्था है जो क्या करती है कि अंधविश्वास के अगेंस्ट, मतलब अंधविश्वास के ऊपर काम करती है कि जो लोग अंधविश्वासी होते हैं या जो लोग अंधविश्वास वाले काम कर रहे हैं उनके विपरीत ये अपना एजेंडा रखती है, ठीक है। जैसे कि झाड़ फूंक वाले बाबा हैं, है ना, और ये जो लोगों को मूर्ख बना करके अपना पैसा पेट भरते हैं उनके अगेंस्ट ये संस्था काम करती है। उस संस्था ने एक आरोप लगाया और ये केस दर्ज करवाया। संस्था ये कह रही है कि अगर आप अपनी शक्तियों को सार्वजनिक रूप से साबित नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, ये कहा है संस्था के प्रमुख ने, ठीक है। उनका नाम शायद श्याम जी कुछ करके हैं, श्याम अग्रवाल या कुछ ऐसे करके हैं जो संस्था के प्रमुख है अभी, है ना। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कहा है कि अगर आप अपनी शक्तियों को साबित करते हो तो हमारी संस्था आपको कुछ लाख रुपए, लगभग वो शायद 24 लाख या फिर 30 लाख के आसपास पैसे की बात कर रहे थे कि हम 24 या 30 लाख रुपए आपको देंगे, लेना नहीं लेना आपकी इच्छा है, अगर आप साबित नहीं कर पाते हो तो फिर आपको ये सब एजेंडा बंद कर देना होगा। और उसके अलावा ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं एक, जिनका नाम है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इनकी शक्तियों को ढोंग करार दिया है, इन्होंने कहा है कि इनकी जो शक्तियां हैं वो कुछ नहीं है, ये सब लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर जो पीठ जोशीमठ के मकानों में आई दरारों को भर दे तो उनकी तथा शक्तियों को स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने एक बात और कही है कि इनके चमत्कारों को दावा करने से बचना चाहिए कि ये हाँ ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ। हालांकि इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब अधिकतर ये यही कहते हैं कि जो भी करते हैं वो हनुमान जी करते हैं, हनुमान जी की कृपा से सब होता है। हनुमान जी ये कहते हैं कि हनुमान जी मेरे को संदेश देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। अब होता नहीं होता वो एक अलग चीज़ है। तो ये बात इन्होंने कही है, पीठाधीश शंकराचार्य जी ने कही है कि चमत्कारों का दावा नहीं करना चाहिए आपको। आप कथावाचन कर रहे हो, अच्छी बात है, आप लोगों को सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप है ना अपना प्रचार मत करो, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे बात करें
अब देखो, अच्छा गलत, अच्छा बुरा, ये सब अलग चीज़ है, लेकिन बागेश्वर धाम जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, इन्होंने कुछ अनमोल वचन बना रखे हैं अपने खुद के, ठीक है। हालांकि वो कॉपी है या नहीं है वो मैं भी नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ इन्होंने बता रखे हैं अनमोल वचन। वो क्या क्या अनमोल वचन है उसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, इसके पक्ष में मैं बोलूँगा, क्योंकि ये जितने भी अनमोल वचन हैं ये स्टूडेंट के लिए या फिर किसी भी एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे क्यों हैं? क्योंकि हर चीज़ों में इन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखाया है इन अनमोल वचनों के द्वारा। कथा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दिव्य दरबार की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल किसकी, ये जो बता रहे हैं ना, क्या ये जो बता रहे हैं कि ना इस प्रकार से हो रहा है। तो इन्होंने क्या कहा है कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन माता पिता और गुरु को प्रणाम करना है, करता है। जो भी स्टूडेंट अपने गुरु को या अपने माता पिता को प्रणाम करेगा, उसकी एक तो उम्र बढ़ेगी और मेन बात क्या है, उसकी विद्या बढ़ जाएगी। हालांकि थोड़े मेरे ग्रामेटिकली एरर है, विद्या बढ़ जाती है, ठीक है, उसका यश बढ़ जाता है, समाज में उसका मान बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या है, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक पहुँचेगा। पहले पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि दुख का झूला जितना पीछे जाएगा वह उतना ही आगे भी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहे हैं एक तरीके से, अपन इसको पॉजिटिव वे में स्टूडेंट लाइफ के लिए ये कह सकते हैं कि आप एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, या आपकी जॉब लगने से पहले, आपके सिलेक्शन से पहले जितनी मेहनत करोगे, जितने दुख भोगोगे, रात दिन जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको सुख मिलेगा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपने थोड़ी कम मेहनत करी है तो थोड़ी कम ग्रेड की आपको जॉब मिल जाएगी। आपने कुछ मेहनत नहीं करी है तो आप वहीं पड़े रह जाओगे। इनका मतलब ये आप समझ सकते हो, ठीक है। एक और इन्होंने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव की बहुत आवश्यकता है। जब तक अभाव नहीं होगा वो प्रभाव के महत्व को भी नहीं समझेगा। मैं इस बात का 100% समर्थन करता हूँ। ये एक सोशल, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या कह रहा है कि अगर आपके पास अभाव होगा, ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव की बहुत ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर अभाव नहीं होगा तो दोस्तों प्रभाव भी नहीं होगा। यानी कि आपके पास, आपको कड़ी मेहनत या आपको दुखों से गुजरना पड़ेगा। जब तक आप दुखों से नहीं गुजरोगे आपको सुख का महत्व भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जितना भजन अभाव में हो सकता है उतना प्रभाव में नहीं हो सकता। यानी कि आप अगर दुख में हो तो आप भगवान को ज़्यादा याद करोगे, आप अगर सुख में हो तो भगवान को कम याद करोगे। या अपन स्टूडेंट वे में इसको ये समझ सकते हैं कि अगर आपको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है फाइनेंशियली, तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे। अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके पास अच्छी प्राइवेट जॉब है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं करोगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करोगे आप, क्योंकि आपके पास अभाव नहीं है, आपके पास केवल पैसे का प्रभाव है, ठीक है। तो ये कहते हैं कौन, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो बस यही था दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि कहना नहीं कहना वो इनकी बात है। अभी ये शायद उत्तराखंड में भी गए हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी, ये सनातन धर्मी की धर्म के जो प्रचारक हैं, जो और बड़े संत हैं, उनको भी अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी सनातन धर्म का प्रचार करें या इनके जो आरोप हैं वो कम हो जाएं। एक बड़ी बात दोस्तों मैंने ये देखी, इन्होंने कभी भी हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर नहीं लिया है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा हनुमान जी ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर आरोप लगाना एक अलग चीज़ है, हनुमान जी इनका सहारा ले रखे हैं, है ना। मतलब कभी ये नहीं कहा कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो पहचाना है आपकी समस्याओं को, वो मैंने किया है, वो हनुमान जी ने किया है। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये सही है गलत है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सनातन धर्म का प्रचार करना अच्छी बात है, आप कथावाचक हो वो भी अच्छी बात है,
लेकिन दावा और पुष्टि ना तो मैं करता हूँ और ना ये धीरेन्द्र कृष्ण जी करते हैं कि मेरे कही हुई बातें सही हैं। ठीक है, डिसाइड आपको करना है दोस्तों। मेरा महत्व केवल इतना सा था कि आपको जो चल रहा है वर्तमान में उसकी जानकारी दे दूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन गलत है कौन सही है। हर व्यक्ति की नज़र में कुछ व्यक्ति गलत भी हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति सही भी हो सकते हैं, कुछ कुछ हद तक सही हो सकते हैं, कुछ कुछ हद तक गलत हो सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है, आपके पर्सनल विचार हैं, पर्सनल आपकी सोच है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी सोच मेरे पास है। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, मिलते रहिए।